सर मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो ये क्लब है वो कितने समय से इसी प्रकार नियमित रूप से कक्षाएं संचालित कर रहा है और आज हमें ये अवसर मिला आपके इस पूरे क्लब की जो गतिविधि होती है प्रातः जल्दी आप सूर्य उदय से पूर्व यहां भोर के समय आकर और आप नियमित रूप से पिछले 5 वर्षों से आप इस योग में वानसूर के संकल्प के साथ पूरे क्लब के थ्रू इस काम को पूरा कर रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे कि आप के इस मुहिम को चलाने के पीछे आप लोगों का क्या विजन था और किस प्रकार आप इसे पूरे वानसूर के लोगों तक इस संदेश को पहुंचाना चाहेंगे सर देखिए आज जो सबसे बड़ी समस्या है कि कितना ही चिकित्सा विभाग और स्वास्थ्य के प्रति गवर्नमेंट अवेयर हो रही है जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल दिए गए हैं लेकिन उनमें रोगियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और एक तरह से बेकाबू सा होता जा रहा है इसका मुख्य कारण है कि हमारी जो जीवन शैली है वो काफ़ी बदल चुकी है तो मैं भी एक आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक के पद पर कार्यरत हूँ और मैंने देखा कि आज जब तक अपन लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं करेंगे उनकी जीवन शैली को नहीं बदलेंगे तब तक इस स्वास्थ्य में कोई लाभ होने वाला नहीं है चाहे चिकित्सा विभाग और गवर्नमेंट कितना ही बजट दे दे कितने ही औषधालय चिकित्सालय खोल दे कितने ही मेडिकल कॉलेजेस खोल दे लेकिन जब तक एक आम आदमी अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर नहीं होगा सजग नहीं होगा तब तक इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने 21 जून को जो अपने बड़ा दिन के नाम से होता है सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून 2015 में योग की मुहिम शुरू की थी और उन्होंने विश्व में योग दिवस मनाया था तो उसी से मैं प्रेरणा लेके और अपने वानसूर के सभी लोगों को इससे जोड़ने की एक प्रेरणा ली है उन्हीं से मुहिम चलाई है कि हम इससे योग से जोड़े और लोगों को स्वस्थ रखें 21 जून 2017 से हमारी यहाँ क्लास सुबह 4:30 बजे नियमित सभी हमारे जो योग साधक हैं वो आ जाते हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं लगातार सर्दी गर्मी बरसात कैसा भी मौसम हो हमारी योग क्लास नियमित रूप से चलती है इसमें किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं होती है और सभी लोग नियमित आकर इसका स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और सभी वृद्ध और युवा सभी तरह की हमारे लोग इस टीम में शामिल हैं एक भाईचारे के भावना से एक बहुत बड़े सद्भाव से यहाँ योग क्लास चल रही है और मैं वानसूर के और भी लोगों से यह अपील करना चाहूँगा गाँववाणी चैनल के माध्यम से कि यहाँ आए और स्वास्थ्य का लाभ लेवें जिससे कि अपने जो पोटली भर के दवाइयाँ जो खानी पड़ रही हैं उनसे बचा जा सके और लंबी आयु स्वस्थ रूप से जीवित रह सके धन्यवाद सर जिस संकल्प के साथ आपने बताया कि किस प्रकार प्रधानमंत्री जी का जो विजन था संपूर्ण विश्व में योग को एक इस प्रकार जीवित करने का एक काम किया उसी में आप एक तरीके से प्रेरित होकर प्रेरणा प्राप्त करके इस मुहिम को आप लगातार नियमित रूप से 2017 से इन कक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं आपके साथ विभिन्न आयु वर्ग के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी या युवा और मध्यम वर्ग के सभी प्रकार के लोग इस योग में क्लास का हिस्सा है और सबसे अच्छा तो हमें ये लगा कि सभी लोग इस प्रकार इस क्लास में जुड़कर अपने आप को एक तरीके से स्फूर्तिवान ऊर्जावान और साथ में स्वस्थ बनाने के लिए नियमित रूप से इन कक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं मैं साथ में ये भी जानना चाहूंगा कि सर ये जो आपने सुबह का जो समय चुना है उसके साथ साथ क्या शाम को भी ये योग किए जा सकते हैं श्रेष्ठ समय कौन सा रहता है योग करने का देखिए आयुर्वेद के जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने योग का सबसे जो सही समय बताया है वो ब्रह्म मुहूर्त बताया है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि अपने जो तकरीबन मैं एक एवरेज रूप से बता दूं कि तकरीबन सूर्योदय से 1.5 घंटे के पहले होता है ये थोड़ा सा बदलता रहता है जैसे दिन छोटा होता है रात बड़ी होती है तो सूर्य ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो करीब 1.5 घंटे का हो जाता है
और जब दिन बड़े और रात छोटी होती है तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय करीब सवा घंटे का रह जाता है। तो हमें इसी में माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने भी इसी क्रम में एक नई स्वास्थ्य योजना चालू की है जो निरोगी राजस्थान के नाम से है। निरोगी राजस्थान का मतलब है कि अपने पूरे राजस्थान को निरोगी बनाना है, उनका भी विजन अब फिलहाल इसी पर है। और इसी तरह से हमारे योग के लिए एक वेलनेस सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गए हैं जहां पर नियमित रूप से सुबह सुबह योगा कराई जाती है। मुख्य विजन सभी का यही है कि लोगों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है, और बीमारियों से बचने के लिए योग बहुत आवश्यक है। योग और प्राणायाम ये ऐसी चीजें हैं जिनसे आप बीमारियों से बिल्कुल बच सकते हैं। धन्यवाद सर। और कोई संदेश जो आप अपने इस क्लब के माध्यम से? इस क्लब के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ बिल्कुल निशुल्क क्लास चलती है, सिर्फ आना है, बैठने की सारी हमने व्यवस्था कर रखी है। ये सारी व्यवस्थाएं अपने जो योग साधक है उन्हीं के सहयोग से की हुई है, और हमारे श्री प्रधानाचार्य जी जो सुभाष जी है उनका भी सहयोग है। उन्होंने हमें सुबह कमरा मुहैया करा रखा है जिसमें हम आराम से योग कर सकते हैं। और लोगों को हम यही कहना चाहते हैं कि सुबह सुबह आइए, योग करें, स्वस्थ रहें, किसी प्रकार की दवाइयों से बचें।